हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वो कैब लिस्ट जो कि आना वाले वोकाबुलरी होंगे जिनका हिंदी सेंस होगा आना, विद एग्जांपल दूंगा आपको। और इसके साथ ही मैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं उन स्ट्रक्चर को यूज़ करने में, उस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार से इंग्लिश में बनाए इस चीज़ में, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है। वो मेरे पास आया और माफ़ी मांगी, ठीक है। ही केम टू मी एंड अपोलोजाइज। देखिए, मैं बाज़ार गया और सब्जियां खरीदी। यहाँ पर दो वर्ब हो रही है लेकिन हम एंड का यूज़ करके आसानी से बना दे रहे हैं, ठीक। दो वर्ब का यूज़ हो रहा है, पहला है मैं बाज़ार गया और दूसरा है सब्जियां खरीदी, ठीक। देखिए, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स। लेकिन देखिए, जब हम कोई एक काम करें और दूसरा काम खुद हो जाए तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखिए, मैंने अपनी बाइक को धोकर साफ किया। आई वॉश्ड माई बाइक क्लीन, ठीक है। हमने यहाँ पर एंड का यूज़ नहीं किया, मैंने कहा आई वॉश्ड माई बाइक क्लीन। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल गया। पहले सब्जेक्ट लिया मैंने, उसके बाद मैंने साफ किया, वॉश्ड, ठीक है, अपनी बाइक को, माई बाइक, और क्लीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो यही हो गया, मैंने अपनी बाइक को धोकर साफ किया। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने अपने कमरे को झाड़ कर साफ किया। आई स्वेप्ट माई रूम क्लीन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक काम तो हम खुद कर रहे हैं। देखिए, आई वॉश्ड, मैंने धोया माई बाइक, अपनी बाइक को क्लीन, लेकिन साफ़ वो अपने आप हो गया। जब मैं धोऊंगा तो साफ़ हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। कोई एक काम करें और दूसरा काम खुद हो जाए, उस सेंस में हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं लिस्ट और एग्जाम्पल। देखिए, कम मतलब आना, तो आना वाले हम और भी वर्ड देखते हैं जिनमें आना का सेंस है। देखिए, ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल में आना, या षड्यंत्र कहते हैं, ठीक है, षड्यंत्र में आना या जाल में आना। वो उसके जाल में आ गई। सी वॉज कॉट इन हिज ट्रैप। स्लीपी, स्लीपी मतलब नींद आना, उसे इतनी नींद आ रही है कि उसका ध्यान भटक रहा है। ही इज सो स्लीपी डैट हिज अटेंशन इज वंडरिंग। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं अपनी आंखें खोल नहीं सकता था। आई वॉज सो स्लीपी आई कुडंट कीप माई आईज ओपन। अब देखिए, नेक्स्ट है ड्रोसी, ठीक है। ड्रोसी मतलब सुस्ती आना या नींद से एकदम भर जाना को हम ड्रोसी बोलते हैं, ठीक है, सुस्ती आना। मुझे हर दिन रात के खाने के बाद सुस्ती आती है। आई फील ड्रोसी आफ्टर डिनर एवरी डे। पिटी मतलब दया आना, उसे उस पर कोई दया नहीं आई। ही हैड नो पिटी फॉर हर। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ जो कि आप लोग सेंटेंसेस आसानी से समझे और वर्ड का किस प्रकार से यूज़ करना है सेंटेंसेस में। देखिए, मुझे अंधे आदमी पर दया आ गई। आई फेल्ट पिटी फॉर द ब्लाइंड मैन। एंग्री, ये तो हर किसी को पता होता है, एंग्री मतलब गुस्सा आना, उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा है और मुझे नहीं पता क्यों। सी इज एंग्री विद मी एंड आई डोंट नो वाई। देखिए, उसे बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है, वो बहुत आसानी से अपना आपा खो देती है। तो हम कहेंगे सी लोसेस हर टेम्पर वेरी ईजली। तो लूज टेम्पर भी एक फ्रेज है, मान लीजिए, ठीक है, उसका मतलब भी होता है गुस्सा आना। तो ये है सी लोसेस हर टेम्पर वेरी ईजली। अब एक ये देखिए फ्रेज है, फ्लू इंटू अ रेज, गुस्से में आना, आग बबूला होना।
उसे थोड़ा सा उकसाने पर या चिढ़ाने के कारण वो गुस्से में आ गई। सी फ्लू इन टू अ रेज एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, प्रोवोकेशन मतलब चिढ़ाने के कारण, चिढ़ने के कारण, ठीक है, या उकसाने पर। यौन मतलब जंभाई आना, उसे भाषण के दौरान जंभाई आ जाती है। ही कांट हेल्प यॉनिंग ड्यूरिंग द स्पीच। देखिए क्राई, क्राई मतलब है रोना आना, ठीक है, जब रोना आ जाता है, उसे रोना आ गया। सी कुडंट हेल्प क्राइंग मतलब वो रोए बिना नहीं रह सकी। नो हाउ टू मतलब आना या नहीं आना, नो हाउ टू का यूज़ करेंगे। देखिए किस प्रकार से, मुझे ये फॉर्म भरना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू फिल आउट दिस फॉर्म। तो यहाँ पर हमने डोंट नो हाउ टू का यूज़ किया, मतलब कि नहीं आता है, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना। अब देखिए हम कहते हैं मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। तो यहाँ पर आया, ठीक है, आता है। तो अगर हम ये कहते थे आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता है, तो यही मैंने लिखा है नो हाउ टू आना या नहीं आना कोई चीज़, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नहीं आता, और पॉजिटिव रहेगा सेंटेंस तो आता है, मतलब कि। क्या तुम्हें घड़ी देखना आता है, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। तो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन किया नो हाउ टू से, ठीक है, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, टाइम कैसे बताते, क्या तुम्हें आता है या तुम्हें घड़ी देखना आता है, यही सेंस है इसका। अब देखिए अंडरस्टैंड मतलब समझ आना, समझ में आना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू आर ट्राइंग टू से। फीवर मतलब बुखार आना, मुझे आज हल्का बुखार आया है। आई हैव अ स्लाइट फीवर टूडे। मुझे कल मामूली बुखार आया था। आई हैड अ स्लाइट फीवर यस्टरडे। देखिए डिजी, डिजी मतलब होता है चक्कर आना। क्या आपको चक्कर आ रहा है, डू यू फील डिजी। मुझे चक्कर आ गया, आई गॉट डिजी। देखिए राम को जम्हाई आ गई, ये मैं बता चुका हूँ आपको। राम कुडंट हेल्प यॉइनिंग, यॉइनिंग के बारे में, यौन के बारे में बता दिया मैंने, जम्हाई आना, ठीक है। हमें ऑक्सीजन की कमी होने पर जम्हाई आती है, वी यॉन व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए स्टिंक, स्टिंक मतलब होता है बदबू आना, स्टिंक मतलब बदबू आना। मछली के सिर से बदबू आने लगती है। फिश बिगिंस टू स्टिंक एट द हेड। क्या उससे बदबू आती है, डज ही स्टिंक। स्प्रेन, स्प्रेन मतलब मोच आना, उसके टखने में मोच आ गई। ही स्प्रेन्ड हिज एंकल। वॉलीबॉल खेलते समय उसकी उंगली में मोच आ गई। सी स्प्रेन्ड हर फिंगर वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, ठीक। देखिए कॉल फोर, कॉल फोर का मतलब होता है लेने आना। मैं 6 बजे आपको लेने आऊँगा। आई विल कॉल फॉर यू एट 6। मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊँगा और हम एक साथ पार्क में जाएंगे।
आई विल कॉल फॉर यू टुमारो मॉर्निंग एंड वी विल गो टू द पार्क टुगेदर। अब देखिए कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। देखिए पुलिस का कहना है कि हमले की जानकारी लेकर कई लोग आगे आए हैं। ठीक, पुलिस से डैट मैनी पीपल हैव कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट द अटैक। वो मेरी मदद के लिए आगे आई, सी केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी। अब देखिए सर्व एज, सर्व एज का मतलब होता है काम आना। ये छोटा क्षेत्र एक खेल के मैदान के रूप में काम आ गया। दिस स्मॉल एरिया सर्व्ड एज अ प्लेग्राउंड। मैं एक शिक्षक के रूप में काम आता रहूंगा। आई विल कंटिन्यू टू सर्व एज अ टीचर। अब नेक्स्ट है अप्रोच, मतलब पहुंचाना, कहीं पर पहुंचाना। मैंने सुना कि कोई आ रहा है। आई हर्ड समवन अप्रोचिंग। परीक्षा का दिन आ गया, द डे ऑफ एग्जामिनेशन अप्रोच्ड। एक बड़ी आंधी पास आ रही है, अ बिग टाइफून इज अप्रोचिंग। अब देखिए एक्ट एज, एक्ट एज का मतलब होता है पेश आना। वो ऐसे पेश आई जैसे उसने सुना ही नहीं। सी एक्टेड एज इफ सी हैड एंड हर्ड। क्या आप मेरे लिए शिक्षक जैसे पेश आ सकते हैं? कैन यू एक्ट एज अ टीचर फॉर मी। अब देखिए रिटर्न, लौट आना या वापस आना। मैं 2 महीने में अपने गांव लौट आऊंगा। आई विल बी रिटर्निंग टू माई विलेज इन 2 मंथ्स। आप ऑफिस कब लौट कर आओगे? When will you return to the office? देखिए फ्लूड, फ्लूड मतलब बाढ़ आना। अगस्त के महीने में नदी में बाढ़ आ गई थी। In the month of August, the river had flooded. नदी से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। The river flooded the entire village. अब नेक्स्ट है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब सबको पता है कि कलेक्ट करना होता है, लेकिन कलेक्ट का मतलब लेकर आना भी होता है। ठीक है, लेकर आने के लिए भी हम कलेक्ट का यूज़ करते हैं। जो एडवांस यूज़र हैं वो जान रहे होंगे, जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। देखिए मैंने बिल चुकाया और बाइक लेकर आ गया। आई वेंट टू कलेक्ट द बाइक एंड पेड द बिल। पप्पू हमेशा अपनी प्रेमिका को ऑफिस से ले आता है। पप्पू ऑलवेज कलेक्ट्स हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए फैच, फैच का मतलब भी होता है लेकर आना। क्या आप बेडरूम से मेरा बटुआ लेकर आ सकते हैं? कैन यू फैच माई वॉलेट फ्रॉम द बेडरूम। कृपया मेरे लिए एक कप चाय लेकर आएं। प्लीज फैच मी अ कप ऑफ टी। अब देखिए लास्ट है मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आए। गेट का यूज़ कर रहे हैं, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने ये रिक्वेस्ट किया जिसे हमने गेट से बनाया। ये वीडियो लेक्चर में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ गेट का किस प्रकार से किस किस सेंस में यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ सिर्फ 30,000 व्यू के, जो कि आप लोग आसानी से कर देंगे। बस आपको शेयर करना है और कुछ नहीं करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।